इस तरफ जी माशाल्लाह देखिए कितनी सारी जलेबी निकली हुई है। मैं सोच रहा था कि थोड़ी थोड़ी जलेबी बना रहे हैं तो पूरी नहीं होगी। मेरा फर्स्ट टाइम है गाड़ी में बैठ के व्लॉगिंग करना, पहले मैंने कभी नहीं किया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अच्छा रहेगा। ये मेरे मामू जान है, मामू मुख्तियार, इनके पास माशाल्लाह कौन सी गाड़ी मामू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी का कुछ सीन ये है कि तैयारी करने वाले हैं और हम जाने वाले हैं महफिल पे। हमारे नज़दीकी हमारा विलेज है, मतलब मेरे यहाँ पे रिश्तेदार काफ़ी सारे रहते हैं, उनके पास आज महफिल है और हम रात को गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप सुबह महफिल पे आएंगे। उससे पहले वो हमें फ़ोन करने वाले थे लेकिन हमें फ़ोन हुआ नहीं था। तो अभी हम तैयारी करने वाले हैं, बच्चों ने तैयारी कर ली है, अभी सात भाई ने भी तैयारी कर ली है, देखिए रेडी है, चलें भाई। हाँ जी चलते हैं। तो मैं अभी नहाता हूँ, चेंज करता हूँ और फिर निकलते हैं, महफिल पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होगा, कैसी महफिल रहेगी। आप सबको जो भी एक्सपीरियंस होगा शेयर करेंगे और आप साथ में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मैं शूज़ नहीं, मेरा दूसरा शूज़ ले गया, हमारा शूज़ नहीं दूसरा ले गया, शाबाश। अच्छा आज मौसम काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, थोड़े बहुत बादल हैं और धूप निकली हुई है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना आपको भूल गया था कि आज महफिल में ना जलेबी है लंगर के तौर पे। देखिए कैसा सिस्टम है, अजीब है थोड़ा लेकिन हटके है। तो तमिल से आपको पता चल चुका था इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले बता दूं। वैसे मेरा मिशन ये था कि मैं आपको सरप्राइज देता कि महफिल में और जलेबी क्या कम्बिनेशन है ना, अजीब है थोड़ा सा। दाल रोटी चल सकता है, गोश्त रोटी चल सकता है, वैसे चावल हों तो चल सकता है, लेकिन जलेबी चले। अब फिर चलते हैं, देखते हैं कैसे जलेबी निकलती है, आपको सारा वो प्रोसीजर दिखाऊंगा, क्या जलेबी का सीन है, क्या कैसी महफिल है इंशाल्लाह। चलो भाई बच्चों रेडी, आ जाओ चलें, आ जाओ भाई रेडी, साथ भाई आ जाओ, पापा जी हाँ जी रेडी। अच्छा रेडी, आप भी रेडी हो? बाय बाय करो, बाय बाय, ये वाला बाय बाय ले लो। ये क्या है भाई, कपड़े लगाओ ताला भाई, चलें आ जाओ। चलो रुके हैं तो सात भाई शिया करने के लिए ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, तो ये कर रहे हैं इस साइड पे शिया। सफ़र तो तकरीबन है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का, लेकिन अभी हमने स्टे किया हुआ थोड़ा थोड़ी देर के लिए। सात भाई को शिया आ गया था, वो सुसू कर रहे हैं और हम कुछ देर के लिए यहाँ पे इंतज़ार करेंगे और फिर आगे सफ़र तकरीबन 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बाकी है, तो फिर पहुँचते हैं इंशाल्लाह। चल भाई कर लिया, चलें चाहे थे। और साथ भाई को आते ही मिल गया ये छोटा सा मेमना, ये बेटर के पीछे छुपा हुआ, ये देखिए कितना खूबसूरत है। कल इनकी भेड़ सोई थी, बता रहे थे कल भेड़ने दिया था। ये है सामने पीटर और इस जगह उन्होंने भेड़े मतलब ढाकी हुई थी, जो कहते हैं क्या कहते हैं, अंदर खोली हुई थी, अंदर रखी हुई थी। इस जगह मोटर साइकिल बाइक जो है कर दी है पार्क, अब निकलते हैं आगे। ये है मेरे मामू का घर और ये छोटा सा टूर देता मैं आपको, ये सामने भी घर उनका है और ये जानवर और ये टोका पीटर पे जो घास होता है ना टोका करने के लिए। ये सामने देखिए, ये सामने बिटर लगा हुआ है, ये वाला इसे चला लेते हैं। और आसादी इधर आ चलिए, आ जा चलिए। और इस तरफ भी माल माशाल्लाह काफ़ी सारे इनके पास है, देखिए आप माशाल्लाह। और ये रेडी
जिस पे घास लेके आते हैं। चला ध्यान से, आजा 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 आजा। इस तरफ से नज़ारा कुछ यूँ है कि ये सारा सामने घर आ गया, और ये भी जानवर, और ये गाय, इधर भैंसें, और ये तनाव पे कपड़े सुखाने के लिए फेंके हुए हैं। महफल और लाइट चली गई थी जिसकी वजह से साउंड बंद हो गया था, तो महफल का आपने टूर देखा। तो अभी आपको टूर देते हैं जलेबी का। इस साइड पर जलेबी बन रही है, देखते हैं कैसे बनती है। इस तरफ ये मैदा बना हुआ है, और ये भाईजान जलेबी निकाल रहे हैं, अभी चेक करें। ये भाई सीधी नहीं काट सकते, सीधी काट लेते। इस तरफ ये मैदे को इसमें डाला जा रहा है, और इसके आगे मतलब वो जो प्रोसीजर अगला आता है वो करते हैं भाई जान, ये भी करेंगे भाई। उत्ते की चीज है पानी, पानी होता है घी है, पानी घी इधर है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरफ जी माशाल्लाह देखिए कितनी सारी जलेबी निकली हुई है। मैं सोच रहा था कि वो थोड़ी थोड़ी जलेबी बना रहे हैं तो पूरी नहीं होगी, ये देखिए आप, यहाँ पर ढेर लगा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगा था कि जलेबियाँ काफ़ी थोड़ी बनी है, थोड़ी देर में मतलब ये थोड़ी थोड़ी देर में बना रहे हैं तो कैसे पूरी होंगी। अंदर माशाल्लाह इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, एक कमरे को आधा भरा हुआ है भाईजान, तो इसलिए पूरी महफल को ये पूरी आ जाएंगी माशाल्लाह। भाईजान काफ़ी देर से, भाईजान कह रहे हैं कि सुबह से है ना भाई, सुबह से बैठे हैं आप, सुबह से स्ट्रगल किए जा रहे हैं माशाल्लाह। इनकी मेहनत का सलाम है, आके बैठा कौन सा आसान है भाई। अब माशाल्लाह जी महफल जो है अख्ताम पे पहुंची है, तो लंगर अब तकसीम होने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये दानू भाई लंगर प्लेटों में डाल रहे हैं, और माशाल्लाह देखिए यहाँ पर तो जलेबी का गढ़ बना हुआ है, अरे सारे इंतजामिया लगे हुए हैं। इस तरफ लंगर माशाल्लाह जो मेहमानों में तकसीम करने के लिए बनाया गया, ये सारा प्लेटों में डाला जा रहा है। अभी महफल जब मुकम्मल हो जाएगी, ख़त्म पाक पड़ा जाएगा, तो लंगर तकसीम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने महफल से हो लिया था, और अब आए हम मामू के घर में। अभी गाड़ी में जैसे भी एक लगाई थी हमने भर के, उसमें कुछ सॉन्ग थे वो चल नहीं रहे थे, तो मामू जी ने कहा था अभी इसे सेट करते हैं। तो अब बैठते हैं, तो कुछ देर मामू के साथ गाड़ी में बैठते हैं और जैसे भी सेट करते हैं। महफल काफ़ी अच्छी गुजरी थी, आपने देखी जलेबी काफ़ी मकदार में थी, लेकिन खाई नहीं गई, काफ़ी दिनों बाद हमने मीठा ज़्यादा खा लिया था, तो माज भाई को भी उल्टी आ गई थी और मुझे भी थोड़ी उल्टी आ गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है माशाल्लाह। तो अभी गाड़ी में बैठते हैं और इसकी MP3 वगैरह जो भी टेबल क्वालिटी ठीक करते हैं इंशाल्लाह। मेरा फर्स्ट टाइम है गाड़ी में बैठ के व्लॉगिंग करना, पहले मैंने कभी नहीं किया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अच्छा रहेगा। ये मेरे मामू जान है, मामू मुख्तियार, इनके पास माशाल्लाह कौन सी गाड़ी मामू? यारस GLI, काफ़ी प्यारी गाड़ी न्यू ली है मामू ने। मामू की किस्मत बड़ी लकी है कि जब उन्होंने खरीदी थी थोड़ी मालियत में थी, अब माशाल्लाह काफ़ी ऊँची हो गई है। अल्लाह ताला मामू के नसीब में करे और परमानेंट रहे इनके पास। तो अभी चेक करते हैं MP3 में क्या मसला आया है। मामू कितने जैसी जैसी भी चली गई, वो गाने ऑडियो सन की वीडियो सन पता नहीं ऑडियो सन, चलो चेक कर लेने। ये फोल्डर नहीं आता, कुछ शो नहीं आता। हाँ सी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम मुकम्मल हो गया,
कोई मामला नहीं था, और यूएसबी में डाटा ही नहीं था। हमने किसी कारीगर से भरवाया था, उसने माशाल्लाह हमें टोपी करवा दी, तो डाटा ही नहीं था। बिल्कुल ओके होगी माशाल्लाह, मामू जान भी खुश हो गए माशाल्लाह। तो इस वीडियो को इस जगह पर एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी इन्जॉय किया था हमने, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि मेरी फैमिली साथ थी, तो मुमकिन नहीं था इतना ज़्यादा वीडियो फिर करना। लेकिन आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह बाय बाय। हमने जलेबी बहुत कम खाई थी जिसकी वजह से ना भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो अभी लगवा रहे हैं रोटी और यहाँ पे चार और रोटी और हो गया। सर बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। अभी चार रोटियाँ लगवाई हैं तो भाजी लगा रहे हैं। अब चलते हैं घर में, खाना वगैरह खाते हैं, चलते हैं।